हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फोर क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर टू, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि डॉग ने अपना मास्टर जो है वो उसने कैसे ढूंढा, इसको कंटिन्यू करते हुए अगली वर्कशीट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हेल्प द डॉग रीच हिज फाइनल मास्टर द मैन। अब आपको डॉग की हेल्प करनी है उसके फाइनल मास्टर तक पहुंचने में। ड्रॉ एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स हुम द डॉग मेट ऑन द वे। और आपको उन एनिमल्स की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है जो जो उसको रास्ते में मिले। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे डॉग दिया गया है, अब डॉग को सबसे पहले कौन मिला था, सबसे पहले उसको वुल्फ मिला था, तो आपको यहाँ पर वुल्फ की पिक्चर जो है वो पेस्ट कर देनी है। क्लियर, उसके बाद वुल्फ के बाद उसको कौन मिला था बच्चों, उसके बाद उसको मिला था बियर। आप यहाँ पर पिक्चर बना भी सकते हो, आप यहाँ पर पिक्चर जो है कट करके उन एनिमल्स की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद उसको कौन मिला था लास्ट में, उसके बाद उसको मिला लायन, और लायन भी डर गया। ठीक है, जो डॉग ने देखा कि लायन किससे डर रहा है, वो मैन से डर रहा है, तो उसने फिर लास्ट में मैन को अपना क्या बनाया, मास्टर बनाया। ठीक है बेटा, तो आपने ये एनसीईआरटी से अपनी पूरी जो स्टोरी है वो आपको पढ़नी है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वुल्फ लिखेंगे, फिर बियर, देन लायन एंड देन मैन। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है अब आपको, हु एम आई, आइडेंटिफाई द स्पीकर, मैं कौन हूँ, आपको जो स्पीकर है उसको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, दैट देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, कि यहाँ पर क्या है, बियर है और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। तो ये किसने कहा था बच्चों, ये कहा था वुल्फ ने। ठीक है, किसने कहा था, वुल्फ ने। तो यहाँ पे हु एम आई, कौन है ये जिसने ये कहा, वुल्फ आप लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे लिख दोगे बेटा आप वुल्फ। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि ये जो है लायन है जो यहाँ पर क्या करता है, रूल करता है, ये जंगल में रूल करता है। क्यों? क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है, इसीलिए लायन जो है वो रूल करता है, वो वहाँ का मालिक है। तो ये बात किसने कहा, कही थी बेटा, तो ये बात जो कहा था ये कौन था, ये कही थी बियर ने। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बियर। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया गया है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, वुल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे। तो ये बात किसने कही थी, अब मास्टर बनने के लिए कौन कह रहा था, ये तो बहुत आसान है, कौन कह रहा था मास्टर बनने के लिए, डॉग कह रहा था। क्लियर, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर फोर्थ है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे इस तरफ किसी मैन के आने की जो है मुझे स्मेल आ रही है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात लायन ने कही थी जब डॉग लायन के पास पहुंच गया और उसने उसको अपना मास्टर चुन लिया, लेकिन लायन भी वो जो है डर गया किससे, मैन से। क्लियर, तो ये किसने कहा था बच्चों, ये कहा था लायन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर फिफ्थ, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, तो कौन था वो जो कहता है कि मैं उसको अपना मास्टर बनाऊंगा जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, हर एक से स्ट्रॉन्गर है। तो ये कौन कह रहा था बच्चों, ये डॉग कह रहा था, शुरू से ही वो यही बात कह रहा था कि जो भी इस अर्थ पे स्ट्रॉन्गर है मैं उसी को अपना मास्टर बनाऊंगा। तो ये किसने कहा, डॉग ने कहा। तो ये जो है आप कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके बेटा अच्छे से इनको कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका नंबर थर्ड जो टास्क है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, तो आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको उनके मीनिंग से क्या करना है, मैच करना है। सो फर्स्ट आपको दिया गया है फियर्स, फियर्स क्या होता है, एकदम वायलेंट होता है, फियर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वायलेंट होता है। क्लियर, इससे मैच कर देंगे आप सामने उसके, उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्लिफ। क्लिफ क्या होता है? एक हाई रॉक, एक चट्टान होती है, ठीक है, एक जो आप कह सकते हो हाई रॉक, ए स्टीप, क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं, चट्टान को हम क्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग होता है टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे इधर उधर टहलना, क्या होता है बच्चों, वॉन्डरिंग होता है, तो इसके साथ इसको आप मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेयर्ड। डेयर्ड क्या होता है? बहादुरी, कुछ भी काम करना, ब्रेवली करना, बहादुरी से करना, उसको हम डेयर्ड कहेंगे। सो डेयर्ड इज़ टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ भी जो है कुछ करने के लिए ब्रेवली उसको करना, क्लियर, उसको हम डेयर्ड कहेंगे। तो इस तरह से आपको जो मीनिंग दिए गए हैं वर्ड्स के साथ, उनको आपको मैच करना है अपनी कॉपी में लिख के। तो ये थी आपके आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।